कॉन्फ्रेंस पर आयोजित की गई। ये 10 राज्य हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 10 राज्य देश भर के कोविड के 80% एक्टिव केसेस और लगभग 81% कोविड संबंधी मृत्यु इन राज्यों में दर्ज की गई है, इसलिए इन राज्यों के साथ बात करना महत्वपूर्ण है। इस डिजीज़ के प्रति जो लड़ाई हो रही है उसको सफलता की ओर बढ़ाने के लिए आज की इस बैठक में सर्वप्रथम इन 10 राज्यों में जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में एक प्रस्तुतीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। उसके बाद 10 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात, अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी को बताए और तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश सभी राज्यों को और स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए। जो मुख्य बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली महत्वपूर्ण बात सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बताई वो यह है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार हैं और सभी राज्यों को अपनी सारी शक्ति, सारा परिश्रम इन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही वो ये कि सभी राज्य सरकारों का ये प्रयास होना चाहिए कि जितने नए पॉजिटिव केस आते हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का न केवल ट्रेसिंग बल्कि उनकी टेस्टिंग और आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन पहले 72 घंटे में कर लिया जाना चाहिए। इससे संक्रमण को रोकने में और मृत्यु दर को कम करने में हम आगे बढ़ सकेंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में लाई वो ये है कि हम सबका उद्देश्य कोविड की मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कोविड की मृत्यु दर देश में पहली बार 2% से नीचे आ गई है और आज वो 1.99% है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं, इनको सफलता से किया गया है और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो NCR के ज़िले हैं और दिल्ली है, जहां भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया और NCR के ज़िले खासकर गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में हैं, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव जो हरियाणा में हैं और दिल्ली का जो क्षेत्र है इसमें न केवल रिकवरीज बढ़ी बल्कि मृत्यु दर कम हुई और एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात दोहराई कि जो भी वो कह रहे हैं राज्य सरकारों को, चाहे वो कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस से संबंधित हो, चाहे वो मृत्यु दर को नीचे लाने से संबंधित हो, चाहे वो 72 घंटों में सभी क्लोज कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर लेने से संबंधित हो, ये सभी बातें की जा सकती हैं, सफलतापूर्वक की जा सकती हैं और उसका उदाहरण NCR के ज़िले और दिल्ली है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है तो मैं आपको इसे अंग्रेज़ी में भी बता देता हूँ। टुडे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड एन इंटरेक्शन विद 10 स्टेट्स इन द कंट्री
दीज 10 स्टेट्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ कोविड एक्टिव केसेस एज वेल एज रफली 81% ऑफ टोटल कोविड डेथ्स इन द कंट्री. द 10 स्टेट्स विच वर रिप्रेजेंटेड बाय देयर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स एंड हेल्थ मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स आर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइंड 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ वर्क वेयर ही रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स टू स्पीयर हेड ऑल देयर एफर्ट्स. द फर्स्ट एरिया दैट द प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड इज कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड सर्विलेंस एज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स in this battle against COVID-19. The second area that the Honorable Prime Minister underlined is tracking, testing and isolating the close contacts of all new positive cases in first 72 hours. This, the Prime Minister underlined, will not only break the chain of transmission but would also bring down the mortality rate. The third area of action that the Honorable Prime Minister underlined for the consideration and follow-up action on part of these 10 states is that the target should be to bring down COVID mortality to less than 1%. Honorable Prime Minister also emphasized the fact that all these three things can be accomplished, and this has been shown by the example of the NCR states of Haryana and UP, where the NCR districts of Ghaziabad and Gautam Buddh Nagar in UP, Jhajjar, Faridabad, Gurgaon and Sonipat in Haryana, and Delhi followed a strategy which was prepared under the leadership of the Union Home Ministry, and they could not only reduce their mortality rate, they could register substantial improvement in recoveries, and the total number of active cases also came down. So this is in brief what transpired in the meeting that the Honorable Prime Minister had with these 10 states represented by their Honorable Chief Ministers. Prime Minister also specifically referred to the fact that there are states within these 10 states, particularly Bihar, Gujarat, UP, West Bengal and Telangana, where there is a need to increase the testing rate because the positivity rate at present in these states is on the higher side. And he made it clear that with collaborative efforts of the Union government and the state government, the states can increase this rate of testing and can bring about a necessary decrease in positivity rate. He also underlined the fact that if we win the battle against COVID-19 in these 10 states, the battle against COVID nationally would also be won. We also have a small presentation which we would share with you. इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं जो हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये कि इस सप्ताह 2.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए जा चुके हैं. इसी सप्ताह हमने एक दिन 7,19,364 टेस्ट करने का एक नया पीक, एक नई चोटी को छुआ है. इस सप्ताह में जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 15 लाख के हिस्टोरिक नंबर को पार कर गई है. आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 15,83,000 से ज़्यादा मरीज रिकवर कर चुके हैं, और जो केस फेटलिटी रेट है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, वो पहली बार 2% से नीचे 1.99% हो गया है.
तो ये मुख्य बातें हैं इस सप्ताह की। हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो देश में टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं वो अब 18,320 की संख्या पर पहुंच गए हैं। द कंट्री इज़ नाउ टेस्टिंग 18,320 टेस्ट्स पर मिलियन। और अनेक राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कुल 24 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। हमने उनमें से कुछ का आंकड़ा आपके साथ यहाँ शेयर किया है। गोवा 94,000 टेस्ट करता है प्रति मिलियन, दिल्ली 65,000 टेस्ट प्रति मिलियन, अंडमान और निकोबार 57,000 टेस्ट प्रति मिलियन, और इस प्रकार त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, आसाम, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, ये भी राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रति मिलियन टेस्ट करते हैं। हम अनेक बार ये भी आपके दृष्टि में ला चुके हैं कि WHO की जो गाइडेंस है वो ये कहती है कि पर्याप्त टेस्ट की संख्या 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होनी चाहिए, 140 टेस्ट्स पर मिलियन पर डे। आप देखेंगे कि हम लगभग 4 गुना से ज़्यादा इस संख्या का टेस्ट कर रहे हैं देश के औसत में। देश में 506 टेस्ट प्रतिदिन प्रति मिलियन पॉपुलेशन हो रहे हैं। ऐसे भी राज्य हैं जो देश के औसत से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। पहले 3 राज्य उसमें गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु हैं, और बाकी राज्यों का भी ब्यौरा हमने आपको दिया है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आज पुनः बता रहे हैं वो ये कि जब आप 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं तो आपको ये भी टारगेट करना है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो पहले 10% और उसके बाद 5% या उससे कम हो सके। जिन राज्यों में ये स्तर पाने के बावजूद पॉजिटिविटी हायर लेवल्स पर है वहाँ हम ये परामर्श देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि वो टेस्ट्स को इसके ऊपर ले जाएं, यानी इससे अधिक टेस्ट करें और लंबी अवधि तक उस अधिक टेस्ट के स्तर को बना कर रखें। मैंने जैसा आपको बताया कि 15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सिंसेरिटी से, परिश्रम से, लगन से कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे लोगों का की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको एक प्रेशियस सोर्स के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। ये हम आपको डेली रिकवर्ड केसेस का ब्यौरा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में जो औसत रिकवरी की दर है वो 50,000 से अधिक हो गई है। ये एक ग्राफ है जो हमें कुछ संतुष्टि देता है जब भी हम इसको बनाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्सा हरे में है वो रिकवर्ड केसेस का है और जो हिस्सा नीले रंग में है वो एक्टिव केसेस का है। एक्टिव केस आज की तारीख में कुल केसेस के लगभग 28% हो गए हैं और निरंतर घट रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि क्योंकि क्लिनिकल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, इसलिए जो रिकवरी की प्रतिशत दर है वो भी बढ़ रही है और अभी हम 69.80% रिकवरी दिखा रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 70% रिकवरी है। अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय औसत से अधिक रिकवरी की दर है। केस फर्टिलिटी जैसे मैंने आपको बताया
कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि हम केस फेटिलिटी रेट को 1% से नीचे करें। पहली बार ये देश के स्तर पर 2% से नीचे हुआ है और आज ये 1.99% है। हम ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि एग्रेसिव टेस्टिंग हुई, क्योंकि आप पहले उस टेस्टिंग के आधार पर लोगों का पता लगा सके, इसलिए आप पहले उन्हें अस्पताल में या होम आइसोलेशन में ले जा सके, इसलिए जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या घट रही है। और जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, आज जो एक्टिव केस हैं दे आर ओनली 28.21%। तो ये लगातार प्रतिशत घट रहा है। इतना ही हमें आज आपको साप्ताहिक स्थिति के रूप में दिखाना था। धन्यवाद। 39 सर, आज रूस ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, तो हमारे यहाँ भारत में वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी और पहला डोज कब से मिलना शुरू हो जाएगा, कब तक हम उम्मीद करें? और दूसरा सवाल ये कि सर, आप ये भी दावा किया गया था कि वैक्सीन की खोज कोई करे, कोई तैयार करे, भारत प्रोडक्शन खुद करेगा, तो ये कब से हो जाएगा सर, क्या अपडेट है इस बारे में? अपडेट ये है कि भारत में एक कुल 3 प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया एक प्राइवेट कंपनी से, जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है। इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन के फेज 1 ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं, फेज 2 ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं, फेज 3 ट्रायल ब्राज़ील में चल रहे हैं और भारत में फेज 3 ट्रायल प्रारंभ करने की अनुमति भारत के रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी है। तो ये तो पहली वैक्सीन की स्थिति है। दूसरी वैक्सीन है जो भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, ये ICMR के साथ कोलेबोरेशन में तैयार कर रहे हैं, इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं। तीसरी वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला, ये भी भारतीय कंपनी है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं, इसकी भी फेज 1 और फेज 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। फेज 1 फेज 2 ट्रायल जब समाप्त हो जाएंगे तो फेज 3 ट्रायल होंगे, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग की वो अनुमति लेंगे, ये एक निर्धारित प्रक्रिया है। 64 सर, वैक्सीन से जुड़ा ही मेरा सवाल है कि रूस में वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराया है, इसके बाद अगर ये मार्केट में आ जाती है तो रूस से किसी तरह का सरकार का कोई ऐसा प्लान है कि रूस के साथ टाई अप करके भारत में तेजी से इसको वैक्सीन को लाया जाए? केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक कल निर्धारित है। इस नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता नीति आयोग के मेंबर हेल्थ करते हैं और इसकी जो सह अध्यक्ष हैं वो सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हैं। इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है, वो है कि सूटेबल वैक्सीन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे की जाएगी, उन ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीन से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स के मामले हैं जैसे कोल्ड चेन, इन्वेंट्री, इस तरह की बातें, वो कैसे की जाएंगी, वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे,
और जो इक्विटी के इश्यूज हैं वैक्सीनेशन में, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है, ये सभी राज्य सरकारों के साथ और भारत में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी अपने एंगेजमेंट जारी रखेगा। नंबर सिक्स, रिद्मा फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। माय क्वेश्चन टू यू इज ऑन द एंटीजन टेस्टिंग। लॉट ऑफ स्टेट्स आर कंप्लेनिंग दैट यू नो द नेगेटिविटी नेगेटिव्स आर क्वाइट हाई। So are we looking at this, the problem? Because then you have to repeat the RT-PCR to get it confirmed. So are we looking at the problem? Yes, we are fully seized of the problem. But, you know, just a minor quibble. States are not complaining about negative rates. In fact, we are advising the states in the Ministry of Health that all negative symptomatic cases that are found in rapid antigen test must be subjected, mandatorily be subjected to RT-PCR test. We are also advising the states that asymptomatic negatives of rapid antigen tests, if they develop symptoms after 2 or 3 days, must also be necessarily subjected to RT-PCR test. We think that if these two parameters are met, we would be able to capture most of the cases which would have otherwise gone undetected. 35. Sir, I am Ayushman from Mirror Now. I have two questions. First is, sir, you showed the data in which India has been testing. In past 7 days, sir, if we see, India has been the largest contributor despite testing only 18,000 people per million population. How are you seeing that? Because we have been largest contributor in caseload all across the world. Second point. Can I answer that? Sir, just one. Can I answer that first? Otherwise, I'll forget. Huh? Then you can ask the second question. We won't sort of deprive you of asking that second question, although as a rule, we limit it to one question. You see, I have repeatedly said, and we have shared it in the Ministry of Health with the states, that neither the union government nor the state governments should be overawed by the number of positive people per day. That is just one parameter. It must be seen in tandem with the number of recoveries every day and the percentage decline in the fatality rate every day. To further elaborate, once a country does 7 lakh plus tests a day, obviously, the number of positive people will increase. But the fact remains that a large percentage of these positive people are asymptomatic and do not require hospitalization. Some of them, or a large number of them, are only advised a home isolation, which is under medical care and control, where every day their medical parameters are either monitored by a physical team going there or are monitored telephonically. Now, coming to the people who are under hospitalization, you will find that less than 1% of these people who are hospitalized are on ventilator, less than 3% of the people are on oxygen, and less than 4% of the people are in the ICU. When I say 0.5% or less than 3% or less than 4%, it is percentage of the active cases on that particular day. So because of all this, we should not lose, you know, sight of the bigger picture. That is why we say that mere increase in daily positive cases must not overawe the states. They must keep on pursuing the policy of aggressive testing, comprehensive tracing and tracking, and efficient treatment. Your second question. Sir, right. Second question. Just one minute on the aggressive testing only, sir. Online question is there. Why did not we test, trace, and treat so aggressively earlier? Good question. You see, in the last 7 months, the pandemic has grown. So has our understanding of the pandemic. When the pandemic started,
we have no hesitation in accepting that this country had only one lab, National Institute of Virology in Pune. Today we have about 1400 labs. So therefore, as the pandemic grew, we learned from the pandemic and our response also got refined. So the second question is that there are reports from Mumbai as well as some hospitals in Delhi also, people who have recovered are coming back with some kind of ailments in their lungs. Has the ministry seen such complaint and what are you thinking of this? There is a group of subject experts, domain knowledge experts in the Ministry of Health, which is headed by the Director General Health Services. It is known as the JMG. So JMG is presently seized with this issue and they are looking at a guidance note. They are working on a guidance note for people who have recovered from COVID and the possible complications that may afflict such people. So us par abhi kaam chal raha hai. Sir, Prashant hu ABP News se. रूस के वैक्सीन के बारे में ही मेरा सवाल है. एक तो क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूं सर, आपने कल कहा कि कल एक मीटिंग है एक्सपर्ट कमेटी की जो डॉक्टर वीके पॉल साहब की अध्यक्षता में, क्या ये माना जाए कि जो पहले सवाल पूछा गया कि क्या रूस से वैक्सीन मंगवाने का ऑप्शन अभी खुला है या इस पर आपने फैसला ले लिया है कोई मंगवाएंगे या नहीं मंगवाएंगे या वो कल की मीटिंग में फैसला होगा, एक तो ये सवाल है. दूसरा सवाल, जब भी वैक्सीन देश में बने या बाहर से आए उसका कोई रेट आप लोग तय करेंगे क्या? मैं आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब दे देता हूं. जब भी देश में वैक्सीन बनेगी उसका प्रोक्योरमेंट किस प्रकार से होगा, ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये उस पर जरूर विचार करेगा. किसी देश विशेष में क्या वैक्सीन बन रही है नहीं बन रही है ये एकदम हाइपोथेटिकल प्रश्न है, इसका उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता. Sir, I have two questions. Please just to be specific on the one question because there are many people who have to ask the questions. Don't take the advantage. Okay. So I wanted to find out, sir, clearly, I mean, no matter how much the excitement, a vaccine that that gives like a reasonable amount of herd immunity in those numbers in a country like ours is a long way off, no matter what vaccine that is. So I wanted to find out, sir, do we have an end game in mind? As to, because as you showed in your slides also, you show in the numbers that you gave of hospitalized patients, we seem to be doing fairly well in terms of resources, in terms of new cases, all our parameters like you showed in your slides are good. So do we have an end game in mind when we plan to open schools, when we plan to open colleges? What are the parameters we will look at? When does the economy sort of get back on track? When do malls open? When do restaurants start functioning normally? Usual hours. Do we have a timeline in mind and do we have some parameters in mind when all of this will happen? You see, that is not how things work. In life, as in pandemic management, you cross the bridges when you come to them. So therefore, while we do have SOPs ready for specific activities after due stakeholder consultations, we release those SOPs only after there is a understanding that a specific activity needs to be opened. So therefore, it would be rather premature at this point in time to say that by such and such date, we would open this activity and by another date, we will open another activity. 28. Sir, Sneha from CNN. I have a similar question. Many children are suffering because they don't have access to online education. In that sense, what do you think should be the way forward? What are the deliberations about as far as opening of schools is concerned, schools and colleges particularly? And when can we expect you to have the SOPs in place, if at all? I just now, in reply to another colleague's question, said that there are SOPs which have been devised after due stakeholder consultation. It will be premature to divulge what those SOPs are. However, the second part of your question, the answer is that we are privy to the knowledge
that the nodal ministry, that is the Ministry of Education and the Department of School Education and Literacy, has engaged in repeated consultations with state governments and with parent bodies on the question of opening of schools and the interim arrangement till a decision about opening of schools is taken. 34. Sir, my question is regarding data transparency. Is the ministry going to reveal the breakup of RT-PCR and rapid antigen tests which are conducted? Also want to know that it's been 6 months that we've seen this virus in the country. Why don't we have a better dashboard, a better information system which gives real-time information about positivity rate, RT value, and so on? We still don't have the system. We don't have district-wise numbers yet. We do not know all these numbers. The IDSP website is not updated. So what is the ministry trying to, is it working on it? Are we going to see more? I think you have explained this enough. I would start by disagreeing with one part of your question, website not being updated. The website of the ministry regularly gets updated. It not only gets updated, but we regularly keep adding new features. The landing page of the website of Ministry of Health gives you the numbers of recovered cases, the number of active cases, the number of deaths, the incremental change in the last 24 hours, the number of tests carried out in the last 24 hours. It gives you state-wise information on these parameters. In addition, each state has its own website, which is also regularly updated. Each state issues a bulletin regarding COVID where they give the basic numbers. Then there is a ICMR website and which shows only testing data, both in terms of number of tests carried out and the labs which are presently functional. ICMR also early morning every day tweets the number of tests which have been carried out and the number of labs which are functional. Love, would you want to add something to this? So, jaise ki aapko malum